मैं आप जी दास गुरदीप सिंह हाजिर हाँ आप जी के चरण कमलों पास और सतगुरां की बख्शी हुई दास वालों बुलाई हुई फतेह प्रवान करियो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। उम्मीद करता है आप सारे चढ़दी कला में होवोगे। सतगुरु आप सबनों चढ़दी कला बख्शन। गुरु पातशाह गुरु पिता आप जी दे हर पल हर कड़ी अंग संग सहाई हो। आप गल करते हाँ उस त्यौहार के नाल जिहड़ा त्यौहार हिंदुस्तान दे विच कल मनाया जा रहा है। एक पासे होली है एक पासे होला महला है। रंगा का त्यौहार होली और गुरसिख का त्यौहार होला महला। मैं आप जी ने दसता चला कि होली का होले महले दे नाल कोई संबंध नहीं है बिल्कुल रत्ती पर भी नहीं। पर क्योंकि आप गल करनी है होली की भी और गल करनी है होले महले की भी। नाल ही नाल मैं आप जी ने भी दसता चला कि हुण तो कुछ देर बाद पहली ब्रेक तो बाद मेरे नाल दो सिख कौम दीयां महान सत्कारयोग हस्तियां शामिल रहणगियां और इस तो अलावा आप जी दीयां फोन कॉल्स भी शामिल रहणगियां। तो सब तो पहली गल आप प्रारंभ करते हैं शुरू करते हैं होली दे उस त्यौहार तो होली बनाम होला महला क्योंकि दोनों ही त्यौहार भारत दे विच मनाए जा रहे हैं और दोनों ही त्यौहारों की एक खास महत्ता है। किसी के लिए एक खास महत्ता होगी होली करके लेकिन सिखां दे लिए खास महत्ता है होला महला करके। सब तो पहला आप पातशाह पंचम गुरु अर्जन देव महाराज जी की गल दे नाल गल तोड़दे हां और उस तो बाद मैं अज का जिहड़ा विशा है उस दे उत्ते गल करांगा होली बनाम होला महला। पातशाह पंचम ने बसंत राग दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग नंबर 1180 पर एक पावन शब्द अंकित किया है होली कीनी संत सेव रंग लागा है लाल देव। यह पावन शब्द शुरू होता है गुर सेवो कर नमस्कार आज हमारे मंगलचार आज हमारे महा आनंद चिंत लथी पेटे गोविंद आज हमारे ग्रह बसंत गुण गाए प्रभ तुम बेअंत। ए पावन मुबारक पंक्ति रहाओ दी है और इस तो बाद पातशाह कहते हैं आज हमारे बने फाग। फाग का महीना है फलगण का महीना। वैसे इस वक्त चल रहे चेत का महीना लेकिन पहले दिनों दे विच होली फाग के महीने दे विच आया करती सी। फाग फलगण के महीने की होली का प्रतीक है। पातशाह कहते हैं आज हमारे बने फाग प्रभ संगी मिल खेलन लाग होली कीनी संत सेव रंग लागा अत लाल देव। मन तन मौल्यो अत अनूप सूके नाही छाम धूप सगली रुती हरिया हुए सद बसंत गुर मिले देव। बिरख जम्यो है पार जात फूल लगे फल रतन पांत त्रिपत अघाने हर गुण गाए जन नानक हर 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 त्याए। असल दे विच सतगुरां ने गुरमत दे विच किसी भी हिंदुस्तान की ट्रेडिशन नू परंपरा नू त्यागण दी छड्डण दी गल नहीं कीती ना ही किसी ट्रेडिशन की ना ही किसी त्यौहार की निंदा कीती है। हाँ सतगुरां ने हर चीज़ की एक परिभाषा अपनी मिथी है। मैं एक उदाहरण दे के अगे चलांगा जिवें तीरथ है सतगुर ने सिख नू तीर्थ इशनान करन तो मना नहीं किया लेकिन तीर्थ और इशनान दोनों की ही परिभाषा बदल दी। सिख दे लई तीर्थ शरीरक इशनान का नाम नहीं है। किसी भी नदी दे विच जाके सिख तीर्थ इशनान अपने शरीरक इशनान नू नहीं मनता। तो सतगुर की कहते हैं पातशाह कहते तीर्थ नावन जाओ इनकार नहीं है जाओ लेकिन समझना तीर्थ है कि तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है नाम ही तीर्थ है। नाम जिसके कारण साड़ी आत्मा नहाई जावे और गल तो सिर्फ आत्मा दे नहाए जाण दी है शरीर दे नहाए जाण दी नहीं क्योंकि बाबा कबीर कहते हैं काया मानजस कौन गुनाओ जो घट पीतर है मलना। काया मानजस कौन गुनाओ काया नू धोण का या धोण का की फायदा जो घट पीतर है मलना। मलना यानी कि मैल तो घट दे अंदर लगी हुई है। और पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी एक बड़ा प्यारा प्रश्न करते हैं सतगुरु कहते हैं मन की मैल ना तन ते जात कि तन का इशनान करने नाल मन की मैल चली जाएगी। एक प्रश्न है एक सवाल है। तो तन का इशनान कीते तन की मैल जाएगी मन का इशनान कीते मन की मैल जाएगी और दोनों इशनाना दे विच फर्क है। तो सतगुरां ने सानू तीर्थ दिता। मैं एक उदाहरण दी इस तरह दई उदाहरण आप गुरमत के लै सकते हैं। पातशाह ने
होली मनाने तो इनकार नहीं किया, हाँ होली की परिभाषा जरूर बदल दी। तो सतगुरु कहते होली की नहीं संत सेव रंग लागा है अतलाल देव, जिहड़ी गुरसिख ने होली मनानी है ना वह संतां की सेवा करके गुरु की संगत दे विच बैठ के गुरु के झोड़े गुरु के संगतां दे जोड़े झाड़ के गुरु दे संगत दे विच बैठ के गुरु का जस गायन करके और जिहड़ा फिर वाहिगुरु दे रंग दे विच रंगिया जाना है उही असल दे विच गुर की गुर के सिख दा गुलाल है उही गुलाल आपां पाउणा है। तो जाहिर तौर पर सतगुरां ने इस होली दे त्यौहार उपर जिहड़ी गल सानूं समझाई है इस तरह ही अनेक त्यौहारों पर आपां जदों रखड़ी की गल करांगे लोहड़ी की गल करांगे दिवाली की गल करांगे सब का संदर्भ है और सारिया ही संदर्भों के वक्त के मुताबिक आप गल भी करांगे। लेकिन अज का जो मेरा विषय से टॉपिक से वह जिमें कि मैं आप जी दस ही कि होली बनाम होला महला। लेकिन इस करांगे कि इस ही नाल आ जिहड़ा पावन शब्द मैं आप जी दूं सरवण करवाया इस शब्द का भी विचार नाल ही नाल आएगा। पहला आप होली बारे थोड़ा जि जाए कि होली है ही की। होली असल भारत का एक पुराणक या जिन्हों आप कह सकते हैं एक मिथिहासक त्यौहार है, इतिहास के नाल इसका कोई खास संबंध नहीं है। और जे आप कह लीए कि यह बिपर रीत तो या ब्राह्मणी रीत तो प्रभावित है तो ये कोई अकथकथनी नहीं होगी। सतगुर पातशाह ने संबत 1757 यानी कि सन 17 के लागे तागे होले महल्ले की शुरुआत की जो कि लोहगढ़ के किले तो इस होले महल्ले की शुरुआत हुई है। पैसा पाई सत्कार जो कान सिंह जी नाभा लिखते हैं कि होले महल्ले और होली बारे जो उन्होंने विचार ने पाई साहब कहते हैं जंगी विद्या का अभ्यास यानी कि होला और होले का मुकाबला होले का जवाब महला अटैक और काउंटर अटैक। पैसा सरकार जो कान सिंह जी नावा कहते हैं कि सिखां दे विच जिहड़ी रीत सी जो शस्त्र विद्या की रीत सी इस रीत नूं चलाए जाण दे लई सतगुरां ने यह पावन होले महले का त्यौहार जो है शुरू किया। इस दे विच बनावटी लड़ाइया शामिल सन यानी कि दो ग्रुप बनाए जाते सन बनावटी लड़ाइया। इतने मैं आप जी के एक गल होर सांझी करना चाहांगा जिहड़ी कि वक्त के मुताबिक सांझी करनी बनती भी है। पातशाह दसम गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी शस्त्र विद्या के इन्ने प्रवीण सन कि वह चाहते सन कि सारी कौम शस्त्र विद्या के प्रवीण होवे और नाल ही शस्त्र गुरु की सिख गुरु की गुरु के सिख की जिंदगी दे विच करम रूप दे विच विद्वान होवे। किवें 31 मई 1707 नूं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आगरे गए है। आगरे बहादुर शाह दे नाल सतगुरां दी मुलाकात है। पातशाह मुलाकात कर जिस वक्त गए है तो बहादुर शाह ने क्योंकि सतगुरां दे साथ दे कारण बहादुर शाह जंग जितया सी बहादुर शाह हिंदुस्तान दे तखत ते बैठा सी पातशाह नूं उसने कुछ सौगातां दित्तियां कुछ उन्हां दे सन्मान वजों कीमती तोहफे सतगुरां नूं दित्ते। बादशाह दे दरबार की यह परंपरा सी मुगल बादशाह दे दरबार की कि जिहड़ा भी सन्मान दिता जांदा सी उस सन्मान नूं उस वक्त पहनना पैंदा सी भाव जे चोला दिता जांदा तां चोला पाया जाएगा जे कलगी दिती जांदी है या फिर जे दस्तार दिती जांदी है तो उस वक्त दरबार दे विच ही जिस नूं यह सन्मान दिता जांदा सी उस नूं पाउणा पैंदा सी। तो सतगुरां ने जिहड़े सिपाही सेवादार पातशाह जी दे नाल खड़े सन सतगुरां ने उस सन्मान जिहड़ा सी उहनां नूं पकड़ा दिता। मौलवियों ने इस गल का इतराज किया कि सतगुरु ये सन्मान आप जी को दिता गया और मुगल जी परंपरा है उसके मुताबिक ये सन्मान उन्होंने इस वक्त पाना चाहिए। पर बहादुर शाह ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह साड़ी परचा नहीं ने क्योंकि ये कानून साड़ी परजा उपर लागू होंदा है और सतगुरु साड़ी परजा नहीं। मौलवियों का गुस्सा इस कदर चढ़िया कि मौलवियों ने दो गल्लां उस वक्त कही। पहला सवाल यह पूछा कि सानू ये दसो कि धर्म तुहाडा खूब है या धर्म साडा खूब है, धर्म तुम्हारा खूब या हमारा खूब, यह सवाल किया गया। हुण जाहिर तौर पर मौलवियों ने यह सोचा होना कि जे सतगुर कहणगे कि मेरा धर्म खूब है तो आप बहादुर शाह नूं कहांगे क्या इन्हां नूं तुसीं सन्मान दिता जिहड़े तुहाडे भरे दरबार च कह रहे हैं कि साडा धर्म खूब है। और अगर कह देंगे कि इस्लाम खूब है तो फिर गल मुक गई, फिर तो गल खत्म हो गई, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के मूँह असी घुवा लवेंगे। हुण यह गल बिल्कुल उही है जो पुछण गल ईमान दी, काजी मुला कट्ठे होए यानी कि काजी चंगा कि मुला चंगा, क्षमा करनी हिंदू मुसलमान मुसलमान होई कि हिंदू चंगा कि मुसलमान, जो सतगुरु ने उस वक्त जवाब दिता कि शुभ अमलां बाजो दोनों रोई। गल बिल्कुल इतने भी उही है कि धर्म तुहाडा खूब है कि साडा खूब है, सतगुरां का दो टूक जवाब है पातशाह कहिंदे तुम्हें तुम्हारा खूब हमें हमारा खूब, गल मुक गई।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੀਨ ਬਾਤ ਨਿਰਣੈ ਕਰ ਲੀਜੈ ਲਖਿਓ ਭਲੀ ਸੋ ਧਾਰਨ ਕੀ ਜਾਏ ਸ਼ਰੋ ਚਲੋ ਕਲਮੋ ਕੋ ਪੜਮੁਖ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ ਭੋਗੋ ਇਨ ਵਿਦ ਸਭ ਸੁਖ ਜੇ ਹੱਠ ਕਰੋ ਨ ਮਾਨੋ ਇਹੋ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਸ ਖਸਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਜਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਤੀਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਾਵੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੀਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਟੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਸਟੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਜਾਪੇਗਾ ਅਨਿਆਥਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ ਲੁਗੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਧਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੰਗ ਕਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਗ ਕਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਕਾਰ ਅੰਗ ਕਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੰਗ ਕਕਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਪਰ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਹੈ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਵਟ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ GCSE ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਉਸਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਤਲਬ ਨੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਕਤ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਆਧੁਨਿਕ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇਗਾ ਸਿੱਖ ਆਧੁਨਿਕ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ ਬਣਾਏ ਤੋਪ ਬਣਾਏ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਬੇਗੁਨਾਹਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਗੁਨਾਹਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਹਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਾਜ਼ੀਪਨ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਸਨੂੰ
लेकिन जदों बेगुनाहियां दे कतल हुंदे उस वक्त सीधा स्पष्ट यह पता लगता है कि शस्त्र तो उन्हां पास है लेकिन शस्त्र धारण की वह शक्ति नहीं है जो शक्ति साडे सतगुरु ने सानूं दित्ती है। शक्ति असल दे विच एक दिमागी समर्थता है, सोच। अपने गुरु वल ध्यान जांदा है कि गुरु ने सानूं शक्ति दित्ती है, इहदा मतलब की है कि शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करना, शक्ति का ठीक इस्तेमाल, शक्ति का सटीक इस्तेमाल, शक्ति का उस जगह उपर इस्तेमाल। और इस करके साडे सतगुरु ने सानू धर्म दे विच दया दित्ती है। सब तो पहला तौल धर्म दया का भूत, धर्म जिहड़ा दया का पुत्र है, भाव जे दया होगी ताही धर्म जन्मेगा, क्योंकि बाप होगा मां होगी ताही पुत्र जन्मेगा ना। तौल धर्म दया का भूत, दया वाला मनुख संत है। और संत पुरख के हाथ दे विच किरपान पकड़ा के सतगुरां ने संत और शक्ति का जिहड़ा सुमेल किया है, यही सिख धर्म की खूबसूरती है। और इस सुमेल का अज के दिन बड़ा महत्व है जदों असी होला महला मनाने। हुण कृपान की विशेषता की है, कृपान की एक विलखणता है, कृपा प्लस आन। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, इसनों तलवार भी कहा जाता है, इसनों खड़ग भी कहा जाता है, इसनों शमशीर भी कहा जाता है, और अनेक ही नाम ने कृपान के, अनेक ही प्रचलित नाम भी होंगे। पर सतगुरु ने सानू कृपान धारण तो पहला कृपा का पात्र बनाया और आन का प्रतीक बना दिता कि तेरी अणख तेरी गैरत, क्योंकि कित ऐसा ना हो। सिख धर्म वह धर्म नहीं है कि एक पासे थप्पड़ मारिया तो सिख दूसरा गल भी अगे कर देगा, ऐसा नहीं है। गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने मीरी पीर का जो संकल्प दिता है, मीरी पीर का जो सिद्धांत दिता है, उस मीरी पीर के सिद्धांत के जो संदर्भ के जाके गंभीर अवस्था के आप गहन विचार करते हैं तो गल जी साढ़े सिट्टे वजों निकल के आती वो यही है कि सिख का शस्त्र उसके हाथ में पकड़िया हुआ एक बहुत प्यारी शक्ति का प्रतीक है, जिस शक्ति के नाल सिख शक्ति की समर्थता भी रखता है। क्योंकि जिस वक्त किसी के हाथ में शक्ति आती है ना, किसी भी किस्म की, राजसी शक्ति आ गई, जिसमानी शक्ति आ गई, पैसे की माया की शक्ति आ गई, किसी भी किस्म की शक्ति आ जाए तो उस शक्ति का दुर इस्तेमाल करता है। सतगुरु ने सानू शक्ति का सद इस्तेमाल करने का सुनेहा दिता है, भाव जिस वक्त सिख कृपान अपने बाकी के शस्त्रां दे नाल शामिल करेगा तो उसके सामने उसका गुरु होएगा, जोड़ा गुरु उसनों शक्ति के प्रतीक वजो यह समर्थता बख्शेगा कि जेड़ी कृपान मैं तेनों दिती है देखी इसका कितने गलत इस्तेमाल ना हो जाए, इसका ठीक इस्तेमाल। और सतगुरु ने ठीक इस्तेमाल दी, जिथे सतगुरु ने शस्त्र विद्या दी, जिथे शस्त्र का इस्तेमाल करने की जांच दी, उथे शस्त्र का ठीक इस्तेमाल करने के लिए सानू दया भी नाल ही दी, संत भी नाल ही बनाया। जिवें मैं अपने विद्यार्थियों भी गल समझाना कि थोड़े पास अज जो आजादी है तो इस आजादी नू, इस आजादी का एडवांटेज लो, इसका डिसएडवांटेज नहीं लो। जो थोड़े पास आजादी है तो इसको यूज करो, इसको मिसयूज नहीं करो। मिसयूज जिसमें आप किसी चीज़ को करते हैं तो वह फिर चीज़ उसकी पक्ष धारनी होंगी जिस चीज़ के लिए सतगुरु ने सानू चीज़ थमाई होंगी है, पकड़ाई होंगी है। इस करके सिख ने कृपान नू नारे दे वजह यूज किया, इस्तेमाल किया, एक है कि देग तेग फतेह पंथ की जीत। हुण देग और तेग की फतेह क्यों? सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज जी दे कोल एक फकीर आया और उसने पातशाह कोल मीरी पीरी का सिद्धांत पूछया, मीरी की है और पीरी की है? आप सारे जानते हैं कि मीरी की है और पीरी की है। और जिस वक्त मीरी दा और पीरी दा सतगुरु ने सिद्धांत दसिया, क्योंकि उस तो पहला जिहड़ी प्रचलित सियासत दी विद्या सी उस दे विच चार सिद्धांत दिते गए सन, साम दाम दंड भेद, इन्हां दे बारे फिर किसे वक्त विचार करांगा। लेकिन पातशाह कहण लगे कि चार पैरां दे उत्ते, साम दाम दंड भेद दे चार पैर हो गए ना, चार पैरां उपर तो जानवर चलदा है, इसे करके उन्हां दी मत प्रवीण ना हो सकी जिन्हां ने साम दाम दंड भेद दे ये चार विचार बनाए। साडे कोल दो विचार ने, मीरी और पीरी, और दो ही कॉन्सैप्ट, दो ही संकल्प, और इसे करके क्योंकि दो पैरों पर इंसान चलता है, असी इंसानियत का सबक देना है, असी इंसानियत का पाठ बनाना है। उसने फिर अगला सवाल पूछा कि देग और तेग। सतगुरु कहने लगे कि सिख के घर कोई सखा आ जाए, कोई लोड़मंद आ जाए, कोई जरूरतमंद आ जाए तो सिख के घर हर वक्त देग तैयार है।
ਜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਆਕੀ ਗੁਰ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਥਾਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਗ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਣਖ ਦਾ, ਆਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਣ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਫਿਰਿਆ ਹੀ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਫਿਰ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਫਿਰ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼, ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰ ਦਿਓ ਔਰ ਸਮਝ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਜ ਗਈ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲਮ ਹੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਮ ਪਾਸੋਂ ਕਾਨੇ ਦਾ ਕਲਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਕਲਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾ ਕੱਟੀਦਾ, ਕਲਮ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਰ ਚਾਹੋ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰੀ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਅਣਖ ਇੱਕ ਗੈਰਤ, ਔਰ ਇਹ ਅਣਖ ਇਗੈਰਤ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੀਂ ਦੇ ਅਧਿਆ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੰਨ ਸੰਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਸੁਣਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਤੇਗ ਤੀਰੋ ਰਹੋ ਨਾ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇਗ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਹੈ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ, ਬੰਬਾਂ ਦਾ, ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਦਾ, ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਿਨ ਸ਼ਸਤਰੰ ਕੇ ਸੰਗ ਨਰ ਭੇੜ ਜਾਣੋ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਟੈਂਕ ਹਰ ਵਕਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਰ ਵਕਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਹਰ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕਤ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇਸੰਗ ਨਰ ਭੇੜ ਜਾਣੋ, ਗਹੇ ਕਾਨ ਤਾਂ ਕੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲਿਸਦਾਨੋ, ਇਹੋ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਣੋ ਹੇ ਪਿਆਰੇ। ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਤੇਗਨ ਦਿਓ ਨਾ ਦੀਦਾਰੀ, ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕੇਸ ਦੇ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਔਰ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇਗ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਣਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਧਿਆਇ 3, ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ ਜੋ ਨਾ ਤਰੇ ਤਿਸ ਬਿਗ੍ਰਹਿ ਕਾਜ, ਯਾ ਤੇ ਸਰਬ ਖਾਲਸਾ ਸੁਨੇ ਹੈ ਅਯੁੱਧ ਸਰਬ ਹੈ ਉੱਤਮ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੇ ਨੇ, ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ ਬਿਨ ਸੁਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਵੋ, ਸੁਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਸਤਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਹਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੋਲੀ ਹੈ ਕੀ। ਫੱਗਣ ਸੁਦੀ 11 ਔਰ 14 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੇਰ ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ। ਹੋਲੀ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੁਰਾਣਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਣ ਵੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਵਰਣ ਵੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਨਾ,
यह खालसे का प्रगट दिहाड़ा विसाखी का साढ़े लिए। लेकिन विसाखी का त्यौहार तो बहुत पुराना प्रचलित है और विसाखी का त्यौहार जिहड़ा सी ना वह ब्राह्मणा वास्ते मिथ्या होया सी नीयत सी। और जिहड़े बाकी के त्यौहार सन जिस तरह दिवाली का त्यौहार है मैं अगे चल के जिक्र भी करांगा, जिहड़ा होली का त्यौहार सी शूद्र वास्ते सी। बाद दे विच वक्त बीत गया, रलगड़ता हो गई, सारे सारे त्यौहार मनाना शुरू करते, चलो चंगी गल है। पर पुराणक कथा के मुताबिक हरनाकश ने भगति की परमात्मा की अकाल पुरख की और शिव तो एक वर प्राप्त किया। हुण वर की सी कि ना मैं अंदर मरा ना बाहर मरा, ना दिने मरा ना राती मरा, ना धुप्पे मरा ना छावे मरा, और ना इंसान दे हथों मरा ना जानवर दे हथों मरा। यह वर प्राप्त कर लिया। आप सारे इतिहास जानते हो कि आखिर वो किस तरह मरिया। लेकिन एक मिथ्यासक गाथा मैं इतने जिक्र कर दिया कि सतगुर ने क्यों जिक्र किया। सतगुर ने अनेक ही मिथ्यासक गाथावां दा गुरु ग्रंथ साहब च जिक्र किया। कादे वास्ते? सिर्फ इस गल नूं दृढ़ कराउण दे वास्ते कि यह केवल गाथावां ने और इन्हां दे विचों सिख्यावां की लैणियां ने, आपां इन्हां दे विचों जिहड़ी सिख्या लैणी होवे कि प्रहलाद भगत सी इस करके उह बच गया क्योंकि हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया, हर नाकश दुष्ट हर मारिया। सिख्या असी लेनी है कि दुष्ट सी ना इस करके मारिया गया और बचिया कौन? जिहड़ा भगत सी, जिहड़ी भगती दी भावना दे नाल। हुण गल विचों की है, गुरु ग्रंथ साहब जी का आप अंग 1154 खोल लेना, 1165 खोल लेना, 1194 खोल लेना, या 1133 खोल लेना। तीजे पातशाह जी भी बाणी है, नामदेव जी की भी बाणी है, बाबा कबीर जी की भी बाणी है। इन्हां सारियां घटनावां दा जिक्र है उन्हां दे विच कि जिस वक्त भी कोई जालम हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, उसनों फिर भगत नहीं किया जाएगा। भगत वह होएगा जिहड़ा दृढ़ता दे नाल भगती करेगा। विचों सानू संकेत की मिलता, संकेत सानू यह मिलता है। हुण जाहिर तौर पर आप बहसम बहसियां करते हैं जी, आ देखो हरनाकश का जिक्र आ गया, इहदा मतलब होए ने, आप इन्हां चक्करां च नहीं पैंदे होए ने जां नहीं, क्योंकि मिथ्यासक गाथावां ने। लेकिन हुण इत्थे एक गल होर भी है ना कि मिथ नूं तोड़न दे लई वी तां मिथ दा जिक्र करना पैंदा ना। हुण सतगुर ने हरनाकश दे नाल उसदे पुत्र दा जिक्र कीता, प्रहलाद दा। प्रहलाद ने भगती की सच्चे मन दे नाल। हुण सुनिया तां असीं इह लैणा कि असीं भगती सच्चे मन नाल करनी है। प्रहलाद ने भगती की निडर होके, निरभउ जगे जपे सगल भउ मिटे। सुनेहा दे विचों असीं इह लैणा, सतगुर सुनेहा तां सानूं इह देना चाहुंदे ने कि जिस तरह प्रहलाद ने भगती की है सच्चे मन नाल, तुसीं सच्चे मन होकर भगती करनी है। जिस तरह निडर होकर भगती की है उसनूं सजावां मिलियां, इस नूं पहाड़ां तों सुट दिओ, इस नूं अग दे विच जला दिओ। हुण इत्थे जिक्र आंदा है कि उसदी इक भूआ सी होलिका। हुण होलिका ने एक वर प्राप्त किया होया सी, उस वर दे मुताबिक उसनूं एक दुपट्टा मिलिया होया सी। अगर इह दुपट्टे नूं लै के बैठ जाएगी अग दे विच तां अग इस नूं जला नहीं सकेगी। लेकिन जिस वक्त होलिका की गोदी विच बैठा है प्रहलाद, तो दुपट्टा प्रहलाद के उपर पै गया, होलिका सड़ गई और प्रहलाद फिर बच गया। और जिहड़ी होलिका की बची हुई सवाह सी लोगों ने वह अपने मूंह दे उत्ते मल लई और उस तो बाद होली का त्यौहार शुरू हो गया। यह सारिया दी सारिया घटनावां असल दे विच इस होली के त्यौहार को मनाने के लिए एक आधार बनाई गई, जिहड़ा मिथ्यासक संदर्भ दे विच, मिथ्यास तो आप कह सकते हैं इहदा कोई इतिहासक हवाला या नहीं है। हुण जाहिर तौर पर जिस वक्त सवाह सुटी गई, और सवाह तो सुटन तो बाद केवल सवाह तक ही महदूद नहीं रहा, फिर चिक्कड़ सुटना भी शुरू कर दिता, फिर गंद सुटना भी शुरू कर दिता। हुण किवें करनी जे कोई अणजाण सिख इस होली नूं मनाउंदा है तो उहदी दाढ़ी उपर जदों किवें करनी, मैं माफी मंग के गल पर जदों गुलाल सुटिया जाता या फिर जिहड़ा गंद सुटिया जाता की शोभदा है? तो सतगुरां ने इस मिथ नूं तोड़िया, लेकिन इस मिथ दे नाल एक नवीं परिभाषा होली दी मिथ दित्ती कि तुसीं होली मनाओ, मैनूं पातशाह कहिंदे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन कित्थे जाके मनाओ, रोज मनाओ होली। तो मनाओ कित्थे? आज हमारे ग्रह बसंत, गुण गाए प्रभ तुम बेअंत, आज हमारे बने फाग, प्रभ संगी मिल खेलन लाग, प्रभ संगी जेडे मेरे गुरु दे संगी ने, जेडे मैनू गुरुद्वारे मिलते हैं, जेडे मैनू प्यारे गुरु का सुनेहा देंदे ने। आप अरदास करते हैं ना, सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे। तो पातशाह कहिंदे होली की नहीं संत सेव, जिहड़ा गुरु का सिख होली मनाएगा ना वह संत की सेव करके मनाएगा, वह गुरु के हजूर बैठ के मनाएगा। और
होली दे विच लोक गुलाल दे नाल लाल होके रंगे जांदे ने, गुर का सिख उस वाहिगुरु दे हुक्म नूं मन के उस अकाल पुरख दे रंग दे विच रंगिया जाएगा। लाल रंग तिसको लगा जिसके वडभागा, मैला कदी ना होवे ना लागे दागा। पातशाह ने होली का विरोध नहीं किया, बल्कि होली की परिभाषा बदल दी, होली के नरोए अर्थ दे दते। इस करके गुरसिख ने आ दुनियावी गंद वाली होली नहीं मनानी। एक गाथा होर भी प्रचलित है, मैं उसके बारे भी थोड़ी जी आप जी के नाल विचार करता चला। पातशाह भाई नंद लाल जी ने एक जगह से लिखा है, गुलो होई बेबागे दहरब करद जहे पिचकारिये, पर जाफरानी के हर बेरंगा के हर बेगरा खस रंगे बेकरदा। इसे जिक्र है जाफरानी का, जाफरानी का मतलब है केसर। ऐसा कहा जाता है कि होली वाले दिन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के कोल कुछ सिख आए और वह चिट्टे कपड़े पा के आ गए, बिल्कुल निरोल चिट्टे कपड़े पाए। और पातशाह नूं कहण लगे कि जिस रंग दे विच जिहड़ा रंग तुहानूं पसंद है सानूं उस रंग दे विच रंग दिओ। हुण भाई साहिब नंद लाल जी ने इत्थे जाफरानी का जिक्र किया, जाफरानी का मतलब है केसर। सतगुरु ने पिचकारी भरी और सारे केसरी रंग दे विच रंग दिता। ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, क्यों करनी, ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। भाई साहिब भाई नंद लाल जी की जिहड़ी गजल है ना, उसके अर्थ भी गलत लाए गए। तो फिर अर्थ की असली अर्थ आप सुन लो। गुलो होई बेबागे दहरब कुरत जहे पिचकारिये फरजा फरानी। सतगुरु ने पिचकारी भरी और सारे जाफरानी रंग दे विच रंग दिता। इतने तक तो ठीक है, हुण अगे चलो कि हर बेरंगरा जिहड़े लोग उत्थे आए सन वह वाहिगुरु के नाम तो बेरंगराह सन, वाहिगुरु के नाम के रंग दे विच नहीं सन रंगे हुए, वह पूरे सन बिल्कुल। इस करके वह वाहिगुरु के रंग दे विच रंगे जाण दे लई आए सन। ते सतगुरां ने की कीता, खस रंगे बेकरदा, पातशाह ने उन्हां नूं वाहिगुरु के रंग दे रंग नाल रंग दिता, क्योंकि वह गुरु के रंग तो बेरंगे सन। इस करके आप रंगे जाना है वाहिगुरु के रंग दे विच, गुरु के रंग दे विच, और उस रंग दे विच रंग के ही आप रंगे जाने की गल समझ सकते हैं, रंग की गल समझ सकते हैं। होली और गुरमत, इसका बिल्कुल उक्का कोई संबंध नहीं है आपस के। जो गुरु साहबान का आप जीवन काल देखते हैं, 239 वरिया का यह पावन जीवन काल है। इन्हें पावन जीवन काल के आप मैं कोई भी एक मिसाल दे दो कि किसी भी एक गुरु ने इस त्यौहार को मनाया हो या होली खेडी हो। हाँ, सतगुरु ने होली का जिक्र जरूर किया, लेकिन कि होली का मैं आप जी तक कर चुका। जो अनजाण लोग इस त्यौहार को मना के अपनी दाढ़ी की बेदबी करते हैं, जाहिर तौर पर हम उन्होंने आप कहेंगे कि सतगुरु ने की कहा। पातशाह कहते गुर सेवो कर नमस्कार आज हमारे मंगल चार। आनंद की अवस्था उदो है गुरसिख के मन, क्योंकि होली सुट के लोग नशे करके भंग पी के जिसमानी आनंद लेंगे। पातशाह कहते आज हमारे मंगल चार, मेरे मन के तो वैसे ही आनंद है क्योंकि आज हमारे महा आनंद। चित लथी भेटे गोबिंद, चिंत लथ गई क्योंकि रब के नाल वाहिगुरु के नाल मुलाकात हो गई। तो जाहिर तौर उपर जिस वक्त असी होली का जिक्र करांगे नाल होले महल्ले का जिक्र जरूर आएगा, लेकिन संदर्भ दे विच इन्हां दा आपस दे विच कोई सुमेल कोई संबंध नहीं है। पातशाह ने होली दे लफ़ज़ दा मैं फिर बेनती करदे विरोध नहीं किया, बल्कि सतगुरां ने इस पुराणिक कथा नूं अपनी बाणी दे विच जगह दे दित्ती। गल की जे जिक्र आपां उस कहानी दा फिर करिए तां जिक्र इहो ही है कि जे प्रहलाद नूं सतगुरां ने शक्ति दित्ती है, परमात्मा ने शक्ति दित्ती है, सतगुरु ने सानू उस शक्ति नू लेने दी गल समझाई है। सिख ने प्रभु दी भगती निडर होके करनी है जिस तरह प्रहलाद ने कीती है, साफ मन होके करनी है जिस तरह प्रहलाद ने कीती है, एक दृढ़ इरादे दे नाल करनी है। निर्भौ जपे सगल पौ मिटे। मैं कई बार हैरान हूं क्योंकि भगत की एक अवस्था है, भगत की एक अवस्था दे विच बाबा नामदेव जी का एक पावन शब्द है, हसंत खलंत तेरे दोहरे आया भगत करंत नाम पकड़ उठाया। मैं हसता खेड़ता तेरे आनंद की अवस्था दे विच तेरे दौरे आया सी, तेरे मंदर आया सी, और मैं भगती कर रहा सी।
लेकिन भगती करते हुए मैं उठा के भगती करते हुए बाहर कर दिता गया। हुण जो बाहर कढ़िया गया तो बाबा नामदेव जी ने गिला उन्हां दे नाल नहीं किया जिन्होंने बाहर कढ़िया उन्होंने। बाबा नामदेव जी ने गिला किहदे नाल किया? उस अकाल पुरख दे नाल। क्यों क्यों अकाल पुरख ने जातां बनाईआं ने? बाबा नामदेव जी कह रहे हैं हीनड़ी जात मेरी जादम राया छीन छीमे के जन्म काहे को आया। मेरी हीनड़ी जात सी मैं जादम राया सी मैं तेरी भगती नहीं कर सकिया। लेकिन किवें करनी है गिला नहीं है गल समझना। गिला नहीं किया परमात्मा दे अकाल पुरख परमात्मा फिर की किया अपनी भगती दड़ाई। और भगती दड़ाउण दे नाल होया की? देखो भगत की भावना। फिर भगत नूं मंदर जाण दी लोड़ नहीं पई। मंदर भगत दे मगर मगर आया। क्यों? क्योंकि यह भगत की अवस्था है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछे लागत हरी फिरे कहत कबीर कबीर। क्यों? लोग तो हरी के पिछे भजदे ने हरी कबीर के पिछे भज रहे हैं अकाल पुरख हरी के पिछे। क्यों? क्योंकि मन निर्मल भया। प्रहलाद का मंग निर्मल है असी उस दे मुताबिक मन निर्मल तो कर नहीं सके। मन दे विच निर्मलता मन दे विच शुद्धता तो आई नहीं मन दे विच दृढ़ता तो आई नहीं तो गल फिर किवें समझी लगेगी। फिर आप उस विचार से बह गए जी उसका जिक्र किया इहदा मतलब होए ने होए नहीं या नहीं होए आप की लेना आप लेना गुरमत के नाल। तो गुरमत की कहती है दृढ़ हो जाओ मन साफ और जाहिर तौर उपर अगर निर्भव नूं जपना है तो फिर निर्भव आपे सगल भो मिटा देगा लेकिन सच्ची भावना के नाल सच्ची भावना के नाल। तो थोड़े जे विचार मैं अज दे इस मौके उपर होली बनाम होला महला उपर पेश कर सकिया। होला महला आप जी नूं मुबारक होवे। आपां इह त्यौहार साडा असी पूरे हौसले दे नाल पूरे सत्कार दे नाल इस त्यौहार नूं जानना है पहचानना है और शस्त्र विद्या दे विच हर सिख ने प्रवीण होना है और आधुनिक तो आधुनिक शस्त्र हर सिख चलाएगा। सर्व शक्ति का जो प्रतीक है वह साडी कृपान अकाल पुरख ने जो बख्शिश की है। आप जी चौपई साहब का पाठ भी करते हो गए। चौपई साहब जी के पाठ के एक पावन सत्र आती है बेनती चौपई श्री अस धुज तब। इसका मतलब आप दोबारा पढ़ना श्री अस कृपान को कहते हैं धुज झंडे को कहते हैं क्योंकि ब्रज भाषा के बाणी है श्री अस धुज तब। उस अकाल पुरख के झंडे के कृपान का निशान है ऐसा गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह रहे हैं। श्री अस धुज तब सरनी परे आप उस अकाल पुरख के उस एक झंडे हेठ इकट्ठे होना है। जो मन की निर्मलता हो गई मन की शुद्धता हो गई और मन करके मन दृढ़ हो गया तो फिर एकता का नारा लाने की लोड़ नहीं एकता अपने आप हो जाएगी। आप जी होले महल्ले का मुबारक त्यौहार।